जय श्री कृष्ण। खुशी एंड सिलाई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 से 4 साल बेबी का ट्रेंड। तो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो हम फैब्रिक लिए हैं 4 फोल्ड में, मतलब 11 इंच हमारा लेंथ है और मेरा वेट है 10 इंच। आप हमारे लेंगे कमर का 6 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 8 इंच। तो कमर का हमारा 8 इंच लिए और हिप का भी हम 8 इंच लिए। उसके बाद हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा गोलाई के लिए। अब हमारा 8.5 इंच हमारी मोरी रहेगी, पैंट के मोरी हमारा 8.5 इंच की रहेगी। उसके बाद हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। अब जिस तरह से हमारी गोलाई है उस तरह से आमने सामने रख के देखिए, हमारी दोनों गोलाई की आमने सामने ही है। हम आधा आधा इंच कपड़े लेते हुए हम करेंगे सिलाई। अभी हमारा आधा आधा इंच की गोल जैसा सिलाई आधा आधा इंच की हम कर दिए, जिस तरह से हम कटिंग किए थे उसी तरह से हम सिलाई भी कर रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे बीच में से कपड़े को फोल्ड करेंगे, वहाँ से हम मारेंगे कट। और कट इसलिए मारते हैं कि ताकि दोनों का हमारा एक जैसा चपटी लेना है तो एक जैसा ही होना चाहिए। एक तरफ की हमारी हो चुकी है, दूसरी तरफ की भी हमारी देखिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। अब उसके बाद हम लेंगे बेल्ट के लिए कपड़े, तो हमारी जो कमर की लंबाई वही रहेगी और उसकी चौड़ाई 3 इंच की रहेगी। तो 3 इंच के हम कपड़े चौड़ाई लेते हुए हम आधा आधा इंच कपड़े अपना लेके और पूरी सिलाई करेंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो कल से ठीक 4:00 मैं डालूँगी, तो प्लीज़ हमारी मदद और सपोर्ट करिए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हर रोज़ 4:00 4:00 हमारी वीडियो पोस्ट हो जाएगी। हम आपको कुछ हर रोज़ एक नया नया ही करके दिखाएंगे ताकि आपको भी पसंद आए और समझ में भी आए। छोटी वीडियो जाएगी पर आप लोग हमारी मदद सपोर्ट करेंगे तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी मदद करिए, सपोर्ट करिए। आप लोगों की मदद की और सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से हमें बैक साइड भी तैयार करनी है। बैक साइड भी कमर हमारी 3 इंच की पट्टी रहेगी और चौड़ाई हमारी जो कमर है 8 इंच, तो 8 इंच की हमारी पट्टी रहेगी। उसके बाद हम करेंगे आधा आधा इंच कपड़े को लेके पूरा डबल करके फोल्ड कर देंगे। हमारा नीचे का जो कपड़े है आधा इंच का सिलाई वो दिखना नहीं चाहिए, ऊपर की साइड में मोड़ना है। उसके बाद सीधी तरह से हमारी सिलाई आएगी, एकदम सीधी सिलाई आएगी। हमारी सिलाई हो चुकी है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। हमारी इलास्टिक की लंबाई है 10 इंच और उसके बाद हम सेफ्टी पिन के सहारे से हमको इलास्टिक को अंदर डालना है। उसके बाद हम साइड में से सिलाई 2-3 बार चलाएंगे मशीन को ताकि हमारी अच्छी तरह से अटैच हो जाए। और इसी तरह हमें सेफ्टी पिन निकालते हुए दूसरी तरफ भी सिलाई करनी है। हमारी दोनों तरफ जॉइंट हो चुकी। अब हम कपड़े को खींचते हुए सिलाई मारेंगे इलास्टिक के ऊपर। नीचे हम इलास्टिक के ऊपर नहीं मारे थे, डायरेक्ट हम इलास्टिक पे अटैच कर दिए बीच में से सिलाई मार के। आप देख सकते हैं किस तरह से हम सिलाई मारे। उसके बाद हम दोनों भाग को लेके साइड में आधा आधा इंच लेते हुए सीधी सिलाई करेंगे। हमारी एक साइड सिलाई हो चुकी है, अभी इसी तरह हमें दूसरे साइड में ही सिलाई करने हैं। हमारा दूसरी साइड में भी सिलाई हो चुकी है। उसके बाद हम लेंगे कपड़े को
देखिए किस तरह से हम करेंगे। अब लेंगे कैनवास, कैनवास हमारी 1.5 इंच की है, 18 इंच उसकी चौड़ाई है और 1.5 इंच की उसकी लंबाई है। उसके बाद हम करेंगे इसको डबल डबल करके पेन से ए 2-2 इंच पे हम निशान करेंगे। गोल आकार देने के लिए हम 2-2 इंच पे निशान करेंगे। उसके बाद 2-2 इंच का हम निशान करने के बाद हमको वहाँ से करनी है डिज़ाइन, तो अच्छी तरह से निशान कर दीजिए ताकि हमारी निशान अच्छी तरह से आपको दिख सके। अब हमको गोल आकार इसमें देना है, तो अच्छी तरह से गोल आकार इस तरह से 2-2 इंच इसलिए निशान करते हैं ताकि हमारी डिज़ाइन सेम दिखे। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कटिंग करके। इसी तरह हमारा दोनों भाग हम तैयार कर दिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम रखेंगे कपड़े पे, तो दोनों भाग आमने सामने रख दिए। उसके बाद बीच में से हम आधी आधी इंच सिलाई करते हुए अब ये कपड़े आधा इंच मोड़ देंगे कैनवास के ऊपर और सीधी सिलाई मारेंगे। उसके बाद हम रखेंगे अपने पेंट के ऊपर, मोरी के ऊपर, और जिस तरह से हमारी डिज़ाइन कटिंग हुई है उसी तरह से हमको चलानी है मशीन पूरे में। इसी तरह से मशीन चलाते हुए एक साइड से दूसरे साइड तक निकालनी है। तो हमारी मशीन चल चुकी है, उसके बाद हम जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है उसी तरह से हम कपड़े को कट करके निकाल देंगे। हमें कपड़े कट करके निकाल दिए, उसके बाद हम बीच बीच में से कट मारेंगे। हम कट मार दिए, अब करेंगे पलटी। पलटी करके आपको दिखा रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो हम पलटी करते हैं। उसके बाद हम सिलाई सीधी मारेंगे एक दूसरे में अटैच करने के लिए। तो इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को तैयार करके एक दूसरे में जॉइंट करके सीधी सिलाई मारते हुए अब करेंगे हिप का हमारे जॉइंट। तो हमारा दोनों पार्ट तैयार हो चुका, अब हम हिप को जॉइंट करेंगे। जो गोलाई दिए थे वो गोलाई को अच्छी तरह से हम सिलाई मारेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है, एक तरफ से लगते हुए दूसरी तरफ को निकाल दें। तो आपके घर में छोटा बेबी हो तो उसके लिए बना आप लोग ट्राई ज़रूर करना। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो प्लीज़ आप लोगों के